हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद टेस्ट। आज हम बनाएंगे शाही सोया चाप, रेस्टोरेंट स्टाइल शाही सोया चाप। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। रेसिपी बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके लिए हमें चाहिए 5 स्टिक्स चाप, 10 से 12 दाने काजू और प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, 2-3 बड़े चम्मच दही, फ्रेश क्रीम, 1 बड़ा चम्मच बटर, कुकिंग ऑयल, नमक स्वादानुसार, 1.5 छोटा चम्मच लाल देगी मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, कसूरी मेथी, धनिया बारीक कटा हुआ, नींबू का रस। बटर हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लें। 10 से 12 दाने काजू को 1/2 कप पानी में भिगोकर रख दें और 2 प्याज और काजू का भी पेस्ट बना लें। 3 से 4 टमाटर का पेस्ट बना लें। सबसे पहले हम चाप की स्टिक्स को हटा देंगे। एक एक करके सारी चाप की स्टिक्स को अलग कर दें। अब हम इन्हें पीसेस में कट कर लेंगे। ये सारी चाप को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से चाप की लेयर्स खुल जाएंगी और हमारी चाप में हमारा मटेरियल अच्छे से भर जाएगा और शाही सोया चाप हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। सबसे पहले हम इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालें। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दें। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तब गैस की फ्लेम को लो कर दें और एक एक करके चाप के टुकड़े इसमें डालते जाएं। लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे जिससे चाप की लेयर्स खुल जाएं। फ्राई करने से चाप की लेयर्स खुल जाएंगी और हमारा मसाला चाप के अंदर अच्छे से जा पाएगा जिससे हमारी चाप बहुत ही बढ़िया बनेगी। हमें इसे क्रिस्पी नहीं करना है, हमें इसे 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करना है। सात से आठ मिनट हो गए हैं। अब हम चाप को किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। मिक्सिंग बाउल में 2-3 बड़े चम्मच दही डालें। दही को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। लाल देगी मिर्च डालेंगे, इससे कलर बढ़िया आता है। गरम मसाला डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब रेस्टोरेंट जैसा कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अपनी चाप डाल देंगे। आधा नींबू का रस डाल देंगे और एक बड़ा चम्मच बटर डाल देंगे। तीन चार बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे मसालों की कोटिंग अच्छे से हमारी चाप पर हो जाए। कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तेज पत्ता, एक दो लौंग, एक छोटी इलायची, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और एक चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे एक सेकंड चलाएंगे और उसके बाद प्याज और काजू का पेस्ट डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाएंगे, नहीं तो काजू का पेस्ट हमारी कढ़ाई में चिपकने लगता है। अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे कंटिन्यू चलाकर हम इसे पकाएंगे। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। लाल देगी मिर्च डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालें, हमने पहले भी डाला हुआ है। हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक घी मसाले से अलग ना हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से पक ना जाए। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे पकाते जाएंगे। ये देखिए ग्रेवी में बॉयल आने लगा है। मसाले को अच्छे से भून लें। जितना हमारा मसाला अच्छा भुना होगा उतनी ही सब्जी टेस्टी बनेगी। आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे, इससे सब्जी में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
बीच बीच में मसाले को चलाते रहें। यह शाही सोया चाप खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर एक बार आप मेहमानों के लिए बना देंगे तो आपके मेहमान उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। ये देखिए, मसाला हमारा पकने लगा है और अब घी भी मसाले से अलग हो गया है। अब हम इसमें मैरिनेट की हुई चाप डाल देंगे। और चाप को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दें। पांच से सात मिनट के लिए चाप को ग्रेवी में ऐसे ही पकने दें। और बीच बीच में इसे चलाते रहें। मैरिनेट किया हुआ मसाला जो बच गया है वह भी डाल देंगे और अब हम इसमें पानी भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें बॉईल आने देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। और दो तीन बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और चाप को ग्रेवी में ऐसे ही पकने देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम चाप को ढककर पकाएंगे। जितनी चाप हमारी ग्रेवी में ज़्यादा देर पकेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी। बीच बीच में ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लें और मिक्स कर दें। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पर इसे ढककर जरूर बनाएं, जिससे हमारी ग्रेवी का टेस्ट चाप में अच्छे से आ जाए। इस स्टाइल से शाही सोया चाप बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। आप हमारी मलाई चाप, चिली चाप और मलाई चाप टिक्का की रेसिपी भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शाही सोया चाप हमारी रेडी है। आप इसे रोटी, परांठी, चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस स्टाइल से शाही सोया चाप अगर एक बार आप ज़रूर बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं।